السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. यहाँ एक बहन का सवाल है, कहती हैं कि सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, तो क्या इनके घर में इस्तेमाल की कुछ अशिया लगवाई जा सकती हैं, जैसे बेड या पानी वगैरह का सामान? देखिए, अगर वो ज़कात फंड से है तो नहीं जायज़, ज़कात फंड से जायज़ नहीं है, क्योंकि ज़कात सैयद पर हराम है, सैयद पर ज़कात हराम है, ज़कात सैयद को नहीं दी जाएगी किसी शक्ल में भी। ज़कात जो है सैयद पर हराम कर दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि इन्न सदक़त ला तहिल लिमुहम्मद वला लि आल मुहम्मद। सदक़ा यानी ज़कात, सदक़ा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल के लिए हराम है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है कि ज़कात जो है आले रसूल को दी जाए। तो ऐसी सूरत में ना तो पैसे की शक्ल में ना ही सामान की शक्ल में ज़कात फंड से नहीं। हाँ, अपने माल से, अपना माल वैसे देना चाहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, तोहफे के तौर पर, हदीये के तौर पर उनको देना चाहिए, उनका तआवुन करना चाहिए, लेकिन ज़कात फंड से नहीं। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लम।